Hello students, once again myself Mohammad Irshad, senior faculty in zoology working with CLC since last 4 years. Once again we are continuing with the topic evolution. ये जो गुरु नीति आज आप देख रहे हैं, इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसको सुन रहे हैं, ये इसके सीरीज में लास्ट वाली जो कह सकते हैं ना आप गुरु नीति है इवोल्यूशन की, और इसी के साथ अपन इवोल्यूशन के चैप्टर को कंक्लूड करेंगे, समाप्त करेंगे. आज अपनी ये कोशिश रहेगी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो क्वेश्चन को काफ़ी अपन जितना हो सकता है अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं ताकि दिमाग में कोई डाउट न रहे. और मेरे साथ मेरे कलीग, मेरे फ्रेंड हैं मिस्टर मनोहर चंदेलिया, टीम जूलॉजी CLCC का. ठीक है, तो हम अभी तक आप देख रहे थे इवोल्यूशन पे डिस्कस चल रहा था अपना. आज इवोल्यूशन से रिलेटेड लास्ट जो है गुरु नीति स्टार्ट करते हैं. तो स्टार्ट करिए सर. तो यहाँ पर देखिए, जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है वो ये कि इवोल्यूशन इज कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस मीन्स लगातार नहीं होता, ये अनियमित तथा असतत प्रक्रिया है. जर्की, जर्की का जो वर्बल मीनिंग है वो है झटके देके, एक के बाद एक झटके देके होता. अब यहाँ पे जर्की का मतलब वो जर्क नहीं है जो अपन को गाड़ी पे बैठने पर जर्क लगते हैं, धक्के लगते हैं. यहाँ पर इसका अर्थ ये है कि इवोल्यूशन जो है वो एक के बाद एक गैप के द्वारा होता है. मीन्स अगर एक स्टेप इस स्पॉट पे हो गया तो दूसरा स्पॉट तुरंत नहीं होगा, धीरे धीरे भी नहीं होगा, फिर यहाँ जाके होगा, फिर हो सकता है यहीं पर हो जाए, फिर हो सकता है बहुत लंबे टाइम तक नहीं, और फिर अचानक जाके फिर यहाँ पर कहीं हो जाए. तो ये टाइम ड्यूरेशन का जो है ना, ये बड़ा अनप्रेडिक्टेबल फिनोमेना है. कितने टाइम बाद नेक्स्ट इवोल्यूशन चेंज आएगा, ये कंसेप्ट जो था वो इवोल्यूशन का, इट वॉज पुट फॉरवर्ड बाई नन अदर देन लीडिंग जेनेटिसिस्ट ह्यूगो डी व्रीस. ह्यूगो डी व्रीस ने म्यूटेशन थ्योरी दी थी, और उन्होंने ये बताया था कि म्यूटेशन जो होते हैं वो सडन होते हैं. एक वर्ड यूज किया, सडन, अचानक होने वाले परिवर्तन, है ना. तो ये कहना चाह रहे हैं इट इज ए जर्की, जर्की का मतलब है अचानक होने वाला एंड डिसकंटिन्यूअस. जैसे कि मैंने बताया, मान लीजिए एक चेंज अगर इधर आ गया तो दूसरा चेंज कंटिन्यू न रह के, देखिए यहाँ पे डार्विनिज्म से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. डार्विन साहब ने कहा था कि ये एक लगातार चलने वाला एक स्लो प्रोसेस है. ह्यूगो डी व्रीस का कंसेप्ट ये कहता है कि ये कैसा है कि जर्की प्रोसेस है. तो दूसरा चेंज आने में सर टाइम लगता है फिर. यस सर. अब ये टाइम लगेगा ना, तो जरूरी नहीं है कि अगला चेंज तुरंत आए इसके बाद में, और फिर हो सकता है अगला चेंज बहुत देर बाद है. तो ये इस प्रकार की एक प्रोसेस है जिसके अंदर अपन नेचुरल सिलेक्शन कर रहे हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर. तो ये कांसेप्ट है म्यूटेशन थ्योरी जिसको ह्यूगो डी व्रीस ने, सर वो क्या नाम दिया, साल्टेशन का नाम दिया. साल्टेशन, ये साल्टेशन का मतलब लार्ज स्टेप इन फेवर ऑफ इवोल्यूशन, सिंगल लार्ज स्टेप म्यूटेशन, ये साल्टेशन. देखिए वर्ड बताया सर ने, बड़ा इंटरेस्टिंग. साल्टेशन, साल्टेशन का मतलब क्या होता है मेरे ख्याल. हाँ, साल्टेशन का मीनिंग है समर सॉल्टिंग, जंप करते हो. जंप करते हो, यस सर. Just like this. ये है summer salting. Saltation, आपने saltatory conduction भी पढ़ा है. Jump करते हुए जो impulse का conduction होता है, वो just like उसी type से इनमें saltation process हो रही है. Jumping, है ना? तो ये है mutation theory जो किसने दी थी? Hugo D. Pierce. चलिए. Okay. Next. Next देखिए. Question number. Next में there is a population in which more individuals are acquiring both peripheral characters value than other than the mean character value. This will be example of, किसका example होगा, क्या कहना चाह रहे हैं? There is a population in which more individuals are acquiring with both peripheral character. Both peripheral character में एक आपने ये नेचुरल सिलेक्शन से रिलेटेड जो है एक आप ग्राफ आपने पढ़ा है जिसमें क्या दे रखा है, इंडिविजुअल्स आर एक्वायरिंग बोथ पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू अदर देन मीन वैल्यू. अदर देन मीन वैल्यू का मतलब एक इस साइड से आ जाएगा और दूसरा इस साइड से. ये दो पीक जो है वो एक ही पॉपुलेशन में बन जाएंगे और यहाँ जो मीन वैल्यू कैरेक्टर के हैं वो कम हो जाएंगे. इट मीन्स किस टाइप के नेचुरल सिलेक्शन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप समझ गए होंगे इस ग्राफ से. ये एनसीईआरटी में आपके तीन ग्राफ दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप समझ गए होंगे किस तरह का ग्राफ हो गया, डिसरप्टिव सिलेक्शन. क्लियर? तो इसमें आप देखें स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन, डिसरप्टिव सिलेक्शन, डायरेक्शनल सिलेक्शन, ऑल ऑफ दिस. किस तरह का सिलेक्शन है ये, किस तरह के सिलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है?
ये डिसरप्टिव सिलेक्शन, क्यों सर? बिल्कुल। अब इसमें अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में जाना हो तो अपन इसका एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए जैसा अपन एनसीईआरटी में तो नहीं दिए हुए, लेकिन अपन पढ़ाते वक्त कई बार क्लास में डिस्कस करते हैं इस तरह की चीजें। एक स्नेल की पॉपुलेशन है या एक लिम्पेट है, आर्थ्रोपोड्स हैं, क्रस्टेशियंस हैं, है ना, ये मोलस्क के साथ मिलके रहते हैं कई बार। और इनका जो शेल होता है, शेल का जो कवर होता है, एक का तो होता है टैन कलर, टैन मतलब जैसे पुलिस वालों के जूते का कलर होता है, पॉलिश का कलर, टैन कलर, तो वो रॉक के साथ मिल जाता है वो, उसमें बर्ड्स उनको आसानी से उन स्नेल्स को पहचान, वो क्या कहते हैं, मोलस्क को पहचान नहीं सकती बार्निकल को। और एक होते हैं जो व्हाइट कलर के होते हैं, जो व्हाइट बार्निकल के साथ रह जाते हैं। तो वो दो एक्सट्रीम फिनोटाइप का सिलेक्शन हो गया। अब इसमें इंटरमीडिएट फिनोटाइप है, उसका नंबर पॉपुलेशन में ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाएगा और दो एक्सट्रीम फिनोटाइप्स का नंबर पॉपुलेशन में ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पर ये दो पीक्स बनेंगे, एक पीक यहाँ बन गया और ये दूसरा पीक यहाँ आके बन गया। ये शो करता है डिसरप्टिव सिलेक्शन। इसमें एक्सट्रीम फिनोटाइप का नेचुरल सिलेक्शन होता है और एवरेज फिनोटाइप का नंबर ग्रेजुअली कम होता जाता है। इतनी बात आपको याद रखनी पड़ेगी। पॉपुलेशन भी दो सब पॉपुलेशन में डिवाइड हो जाएगी इसमें उस टाइप से। तो आंसर इज डिसरप्टिव सिलेक्शन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें देखिए पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर आर रिलेटेड विद द मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा समझो इस बात को। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ये क्या कहती है? मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी जो है वो किसी एक साइंटिस्ट ने नहीं दी थी, ये कई साइंटिस्ट का एक ज्वाइंट कंट्रीब्यूशन है, जिसमें कुछ के नाम आपने हो सकता है सुन रखे हो, जैसे ह्यूगो डी व्रीस का नाम अपन ने अभी भी लिया, ह्यूगो डी व्रीस के अलावा डॉब्जेंस्की है ना, रोनाल्ड फिशर है, स्टेबिन्स है, ऐसे कई साइंटिस्ट थे, उन्होंने मिलकर कहा। अब इसमें क्या है कि आज के जमाने में मॉडर्न साइंस में इवोल्यूशन को लेके जितने भी चेंजेस हुए हैं, जो भी नई नई इंफॉर्मेशन आई है, उनको भी इनकॉर्पोरेट कर दिया गया, उनको भी शामिल कर दिया गया, और पुरानी बातें थी उनको भी कुछ को इंक्लूड किया गया, कुछ को एक्सक्लूड कर दिया गया, ताकि वो चीज रिलेवेंट हो जाए। अपने को ऐसा नहीं लगे यार एब्सर्ड बात कर रहा है कोई, यार की वो बेतुकी बात है कि आज अपन कैसे मान लें कि ऐसा होता होगा, वो चीज नहीं है इसके, जिसके अंदर प्रैक्टिकल चीजें वो सारी तो दूर करते हुए इन्होंने जो अपने अपने लेवल पर जेनेटिक्स को भी इंक्लूड कर दिया, नेचुरल सिलेक्शन को भी इंक्लूड कर दिया। तो ये डार्विनियन थ्योरी, ह्यूगो डी व्रीस की थ्योरी, सारी थ्योरीज को इंक्लूड करते हुए इन्होंने। अब इसमें देखिए पूछा क्या गया है, इसमें सर पूछा गया है निंगलस को जो उद्विकास के आधुनिक सिद्धांत से संबंधित, तो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी है इसका नाम, एक वर्ड जोड़ देते हैं अपन इसमें, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। इसमें जेनेटिक और क्रोमोसोमल म्यूटेशन भी इन्वॉल्व है, इसके अंदर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी आ गया, नेचुरल सिलेक्शन भी आ गया, इसमें आइसोलेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब है कि दो एक ही स्पीशीज के दो अलग अलग मेंबर्स किसी भी वजह से, एक्स वाई जेड किसी भी रीजन से आपस में वो मेटिंग नहीं कर पाते, दैट इज नोन एज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ये इवोल्यूशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आइसोलेशन। तो यहाँ पर ये सारी बात है भाई लाल, आइसोलेशन भी करेक्ट है इसके लिए। तो आंसर है करेक्ट कॉम्बिनेशन इज 4। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट पे जो ना नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन बीइंग्स वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर, ह्यूमन बीइंग में वेस्टिजियल ऑर्गन्स कौन से हैं? तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स वैसे आपने खूब पढ़ रखा है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स मींस जो ऑर्गन्स किसी टाइम फंक्शनल थे लेकिन आज के टाइम ह्यूमन बीइंग में जो नॉन फंक्शनल हो गए, ऐसे ऑर्गन्स वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं। तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स अपने कई वेस्टिजियल ऑर्गन्स पढ़ रखे हैं, इसमें आप देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है विजडम टीथ, कॉक्सिक्स, कॉकिक्स, कॉकिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, नेल्स, आईलिड्स। तो इसमें कौन से हो गए? ये हो गए वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, हो गए नेल और आईज, आईलिड्स ये भी हो गए। क्लियर? अगले में आप देखें विजडम टीथ, कॉकिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, पेनक्रियाज एंड एल्बो जॉइंट, ये नहीं होंगे, सारा करेक्ट नहीं है। थर्ड में आप देखें विजडम टीथ, कॉकिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, निक्टिरेटिंग मेम्ब्रेन भी है, ऑरिकुलर मसल्स भी है। इसमें सारे ऑरिकुलर मसल्स, ईयर पीना की जो मसल्स हैं वो, तो ये इनमें आप देख रहे हो विजडम टीथ, कॉकिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, निक्टिरेटिंग मेम्ब्रेन एंड ऑरिकुलर मसल्स, ये चारों पांच है, किस टाइप के हैं? सारे वेस्टिजियल वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं।
क्लियर, जो किसी टाइम अपने एंसेस्टर्स में फंक्शनल रहे हैं लेकिन आज ये सारे नॉन फंक्शनल है, क्लियर। उसके बाद फोर्थ में कॉकिक्स, विजडम टीथ, नेल, ऑरिकुलर मसल्स, तो इसमें नेल आ गया, ये नहीं है। करेक्ट ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, जिसमें तीन चारों पांचों विजडम टीथ, कॉकिक्स, वर्म अपेंडिक्स, इंटीग्रेटिंग मेम्ब्रेन एंड ऑरिकुलर मसल्स, ये सारे वेस्टिजियल। इसमें सर एक पॉइंट में ऐड कर देता हूँ, आपने सारा एक्सप्लेन कर दिया वैसे, कि दिमाग में ये बात आनी चाहिए एक अच्छे स्टूडेंट के कि ये ऑर्गन्स सालों साल से, हजारों साल से अपने बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, अपने एंसेस्टर्स में तो थे और वहाँ पे फंक्शनल भी थे, काम भी करते थे, तो ऐसा हो जाना चाहिए था कि ये तो खत्म हो जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि इनके जो जीन्स, वो जीन्स अभी भी कहीं ना कहीं अपने जीनोम में प्रेजेंट हैं, वो जीन प्रेजेंट है, इसीलिए ये कैरेक्टर्स अपीयर हो जाते हैं। आपको जेनेटिक्स भी आनी चाहिए तभी इवोल्यूशन समझ में आएगा, क्या सर? यस सर। तो नेक्स्ट पेज पे अब ये पूछ रहे हैं सर, बर्ड विद एवरेज साइज विंग सर्वाइव्ड इन द सीवियर स्टॉर्म बट द शॉर्ट विंग एंड लॉन्ग विंग बर्ड डाइड, इट शोज। देखिए अगेन ये एक क्वेश्चन है जो कि किस पर बेस्ड है, नेचुरल सिलेक्शन पर बेस्ड है, जिसके अंदर एवरेज फिनोटाइप का सिलेक्शन हो रहा है। अब जैसे अपन ने अभी डिस्कस किया था, आपकी बुक में भी दे रखा है कि ये अपने पास में एक जो फिनोटाइप है इसका नंबर पॉपुलेशन में धीरे 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 ये राइज होता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा, और एक्सट्रीम का नंबर डिक्रीज होता चला जाएगा, इस तरह का एक ग्राफ बनता है, एक सिंगल पीक बनता है। अब इसमें ये देख लीजिए आप कि जब आप एक एवरेज कैरेक्टर को सेलेक्ट करते हैं तो पॉपुलेशन में वो स्टेबिलिटी लाता है, क्या लाता है? स्टेबिलिटी लाता है, इसीलिए इसका नाम है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। अपने सामने ये पहला ही ऑप्शन है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, कि एक बर्ड है, आंधी तूफान आया, अब उसके छोटे से विंग थे, बहुत ही छोटे थे, वो बेचारी उड़ी नहीं पाई, वो खत्म हो गई वहीं पे। एक है इसके विंग साइज या विंग स्पान इतना बड़ा था कि द बर्ड वाज अनेबल टू फ्लाई इन अ स्ट्रॉन्ग विंड एंड द बर्ड डाइड अल्टीमेटली, अल्टीमेटली उस बर्ड की डेथ हो गई। तो ऐसे केस में जिसका विंग स्पान बहुत ज्यादा था या जिसका विंग स्पान बहुत छोटा था वो सर्वाइव हो सकता है, नहीं कर पाए, लेकिन एवरेज विंग साइज वाली वो उड़ जाएगी, और वो उड़ जाएगी तो बच जाएगी उस तूफान से, तूफान से बच जाएगी तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ये नेचुरल सिलेक्शन है। इट मींस आप समझ रहे हो इसमें मीन वैल्यू कैरेक्टर वो इंक्रीज होने, तो मीन वैल्यू कैरेक्टर अगर पीक पे इंक्रीज होते हैं और बाकी के जो कैरेक्टर है वो धीरे धीरे उसमें उस कैरेक्टर वैल्यू रिड्यूस हो जाती हो, तो क्या होता है सिंगल पीक बनेगा, अभी सर ने आपको बताया तो सिंगल पीक बन रहा है, मींस एक स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन हो गया, क्लियर। ठीक, अब इसमें देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फिनोमेना इन विच द मेंबर्स ऑफ ए स्पीसीज डू नॉट इंटरप्रेट विद द मेंबर्स ऑफ अदर स्पीसीज और सेम स्पीसीज। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही आपको सर ने बताया एक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के बारे में। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो है वो क्या है कि जिसमें कोई स्पीसीज अपनी सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल्स के साथ या अनदर स्पीसीज के साथ अगर इंटरब्रीड नहीं कर पा रही हो, तो इंटरब्रीड नहीं कर पा रही हो तो इस टाइप का आइसोलेशन क्या कहेंगे इसको, एक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कहेंगे। तो इसमें आइडेंटिफाई द फिनोमेना, इस फिनोमेना को इन विच द मेंबर्स ऑफ ए स्पीसीज डू नॉट इंटरब्रीड विद द मेंबर्स ऑफ अदर स्पीसीज और सेम स्पीसीज, अगर इंटरब्रीड नहीं कर पा रहे हैं क्या होना चाहिए, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। जिसमें आपको ध्यान है कई तरह के रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, बिहेवियरल आइसोलेशन होता है, जियोलॉजिकल आइसोलेशन, टेंपोरल आइसोलेशन, टेंपोरल आइसोलेशन होता है, ये आइसोलेशन के कई तरह के टाइप है। आइसोलेशन स्पेशिएशन को इनिशिएट करते हैं, आइसोलेशन होगा तो सर आइसोलेशन होगा, जैसे अभी अपन ने इस क्वेश्चन में डिस्कस किया आइसोलेशन, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें अपन ने एक वर्ड लिखा था मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, उसके अंदर इस मैकेनिज्म को इंक्लूड किया गया है कि आइसोलेशन की वजह से भी इवोल्यूशन होता है। आइसोलेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ इवोल्यूशन, तो वो चीज यहाँ पे मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में एड की गई है,
तो यहाँ पे क्वेश्चन है उस परिघटना को पहचानिए जिसमें एक जाति का सदस्य दूसरी जाति का सदस्य अथवा स्वयं की जाति के सदस्य अंतः प्रजनन नहीं कर सकता। अंतः प्रजनन नहीं कर पाएगा तो वो एक अलग स्पीशीज में इवॉल्व हो जाएगा। Which of the following conditions is required to result a change in gene frequency of a population? जीन ये हार्डी वीनबर्ग इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था एक समष्टि की जीनी पारंपरिकता में परिवर्तन के लिए आवश्यक होती है? अब आप देखिए इसमें जीन म्यूटेशन है, म्यूटेशन से चेंजेस आते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से भी चेंजेस आते हैं, जेनेटिक ड्रिप से भी चेंज आते हैं, जीन माइग्रेशन है ना, रैंडम मेटिंग, नेचुरल सिलेक्शन, रैंडम मेटिंग दिक्कत है इस पे नहीं होगा, रैंडम मेटिंग नहीं होगा क्योंकि डेफिनेशन जो होती है ना सर वो ऐसे स्टार्ट होती है कि लार्ज रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन द जीन फ्रीक्वेंसीज एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज टेंड टू रिमेन कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन इफ देयर इज नो इवोल्यूशनरी फोर्स वर्किंग ओवर देयर। तो इसमें आपको ध्यान है सर ने शुरू में बताई थी कि ये स्टार्ट ही जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम थ्योरी है वो स्टार्ट इसी बात से होती है कि लार्ज पॉपुलेशन में और इसके साथ साथ रैंडम मैटिंग होनी चाहिए। क्लियर? तो रैंडम मैटिंग है ये, इसके लिए जीन फ्रीक्वेंसी को चेंजेस नहीं करेंगे। जीन फ्रीक्वेंसी को चेंजेस करने वाले ये 5 फैक्टर हो गए, उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या जाएगा? करेक्ट, ए बी सी डी एंड ई होंगे। क्लियर? ठीक है, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज द रुडिमेंट्री ऑर्गन्स इन ह्यूमन। वही बात आ गई, अभी जो पहले आपने पढ़ा है रुडिमेंट्री ऑर्गन्स, वेस्टिजियल ऑर्गन्स किन को कहेंगे? तो रुडिमेंट्री वेस्टिजियल ऑर्गन्स कौन से ऑर्गन्स होंगे जो इनमें किसी टाइम फंक्शनल थे, अपने एंसेस्टर्स में फंक्शनल रहे लेकिन अपने में नॉन फंक्शनल हो गए। क्लियर? तो उसके अकॉर्डिंग ऐसे निम्न में से किस रचना को मनुष्य में अवशेषी नहीं समझा जा सकता? अवशेषी नहीं है वो आपको इसमें से इंडिकेट करनी है। इसका मतलब इसमें आप देखिए फर्स्ट थाइमस वेस्टिजियल है क्या? थाइमस बिल्कुल बड़े होने पर वेस्टिजियल हो जाती, तो ये इसमें थाइमस वैसे तो अपने में काम आ रही है इन बॉडी हेयर्स, ईयर पिना, नेल्स, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो पहले आप इसमें से सेलेक्ट करिए कि वेस्टिजियल कौन से हैं। तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स में नेल्स नहीं आ सकते सर। हां नेल्स नहीं आएंगे तो ये नेल्स नहीं होंगे। ये वेस्टिजियल है, देखो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स वेस्टिजियल है ना, ईयर पिना वेस्टिजियल है। ईयर पिना की एक चीज आप ध्यान रखें, ईयर पिना में ऑरिकुलर मसल्स जो होती है ईयर पिना की वो वेस्टिजियल है, बट ईयर पिना वेस्टिजियल नहीं होंगे। निक्टिटेटिव मेम्ब्रेन ये वेस्टिजियल है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ये वेस्टिजियल है। तो उसके अकॉर्डिंग जो वेस्टिजियल नहीं है उनमें थाइमस वेस्टिजियल नहीं है, ईयर पिना नहीं है और नेल्स नहीं है, मींस ए सी एंड डी एग्जैक्टली ये इसमें वेस्टिजियल नहीं होंगे। क्लियर? क्योंकि थाइमस भी क्या करती है? इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है, तो थाइमस भी इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है, इट मींस इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। क्लियर? बचपन में बाद में धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती है। एग्जैक्टली बचपन में बहुत अच्छी फंक्शन होती है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है अपनी वैसे वैसे इसकी फंक्शनल कैपेसिटीज कम होती जाती हैं। और साइंटिस्ट का ये मानना है कि जब ये इम्यून सिस्टम की सेल्स को प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं कर पाती तो बॉडी का इम्यून सिस्टम धीरे धीरे एजिंग के साथ थोड़ा सा वीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, सेलेक्ट द रेप्टिलियन कैरेक्टर ऑफ ए बर्ड ऑफ जुरासिक पीरियड व्हिच इज कंसीडर्ड एज अ मिसिंग लिंक। अब जुरासिक पीरियड में एक ही आया था, आर्कियोप्टेरिक्स। क्यों सर? अब इस आर्कियोप्टेरिक्स के अंदर अपने को वो कर एक्चुअली क्या ये चीज एनसीईआरटी में टू बी फ्रैंक नहीं दे रखी, ये उससे थोड़ा सा बाहर का क्वेश्चन है, आपको इसको पढ़ने के लिए नॉलेज चाहिए थोड़ी सी। आपको इसके लिए थोड़ा सा टैक्सोनॉमी का भी नॉलेज होना चाहिए। एग्जैक्टली उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप देखिए मिसिंग लिंक बता रहे आपको। तो जुरासिक पीरियड में
जुरासिक पीरियड में कौन से इवोल्व हुए, सबसे फर्स्ट टाइम जो बर्ड्स इवोल्व हुए थे आर्कियोप्टेरिक्स। अब उसमें अपने को ढूंढना क्या बेटा, अपने को ढूंढना है रेप्टिलियन कैरेक्टर, रेप्टिलियन कैरेक्टर को सब सेलेक्ट करना है इसके अंदर। तो फर्कुला तो विश बोन होती है जो कि ये क्लेविकल बनाती है, ये बर्ड्स का फीचर है, इसका फीचर है ना सर। यस सर। विंग्स अपने आप सबको पता है, विंग्स तो छोटे बच्चों को पता है कि बर्ड्स में होते हैं, फेदर्स भी बर्ड्स में होते हैं, तो ये फ्री कॉर्डल वर्टिब्रा बचता है। अगर देखे ना तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्यों सर सही है ना। और अगर कोई देखो रे यार एनसीईआरटी में दे नहीं रखा और ये कैसे आ गया क्वेश्चन, ये तो वो फिर वो परेशान हो जाओगे। नहीं ये टैक्सोनॉमी से भी बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन है, टैक्सोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है। एनिमल डाइवर्सिटी आती होगी तो ही आप इवोल्यूशन कर पाओगे एक लाइन में, अगर आपको डाइवर्सिटी नहीं आती आप इवोल्यूशन में अटक जाओगे। मैं तो साफ कहता हूं क्लास में, सही बात है शानदार, क्योंकि आप देख रहे हो कि कॉडल वर्टिब्री, फ्री कॉडल वर्टिब्री है, तो आपको ध्यान है बर्ड्स के कैरेक्टर में क्या होता है, कॉडल वर्टिब्री आपस में ज्वाइन हो जाती हैं और क्या बना देती हैं, पाइको स्टाइल बना देती हैं। ये आपने खूब सुना होगा नाम कि कॉडल वर्टिब्री जो है वो आपस में फ्यूज होकर क्या बना देगी, ये कॉडल वर्टिब्री पाइको स्टाइल बना देती हैं। तो पाइको स्टाइल का बनना इट मींस ये बर्ड्स का कैरेक्टर बना, देखो क्लियर, ये पाइगो स्टाइल है मामला, ये कॉडल वर्टिब्रा टेल के वर्टिब्रा, अब टेल के वर्टिब्रा जुड़ गए, अब मान लो ये एक बर्ड का ये टेल है, ठीक है ये फैन, अब ये जब बर्ड उड़ेगी ना तो ये एज इट इज पूरा का पूरा सिस्टम ये नीचे की तरफ झुक जाता है, नीचे की तरफ झुक जाता है तो यहाँ पे थोड़ी सी फिजिक्स लगा हुआ फोर्स जनरेट होती है, तो ये बर्ड जो होती है ना जमीन से या जहाँ पे बैठ के वहां से ऊपर उठने में इसको थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है, फोर्स लग जाता है। तो ये पाइगो स्टाइल की प्रेजेंस अगर आती तो ये बर्ड्स का कैरेक्टर हो जाता, लेकिन क्या दे रखा है फ्री कॉडल वर्टिब्रे मींस जॉइन नहीं हुई है, पाइगो स्टाइल नहीं बना रही है, पाइगो स्टाइल नहीं बना रही है, इसका मतलब मीन क्या हो गया कि रेप्टिलियन कैरेक्टर नहीं है उसमें, तो ये सॉरी बर्ड्स का कैरेक्टर नहीं है, तो ये इसका रेप्टिलियन कैरेक्टर हो गया फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 152, कंसीडर अबाउट द फॉलोइंग एनिमल्स, ब्रेकियोसोरस, कौन से इवोल्व नहीं हुए। इसमें आप देखिए ब्रेकियोसोरस, आर्कियोप्टेरिक्स, टेरेनोडोन, ये तीनों ही किस टाइप हो गए। इसमें आप देखो ब्रेकियोसोरस एंड टेरेनोडोन ये तो क्या है डायनासोर्स के स्पीसीज हो गई, एक आर्कियोप्टेरिक्स अभी आपको सर ने समझाया था क्यों सर वो गए, और इसके बाद फोर्थ पेलिकोसोरस एंड थेरेपसिड्स, ये आप देखें तो दोनों ही किससे इवोल्व हैं, पेलिकोसोरस एंड थेरेपसिड्स जो है वो सिनेप्सिड से इवोल्व हैं, जो आपने कल भी फ्लो चार्ट में देखा होगा। एक आपको और बता देते हैं क्यों सर, फ्लो चार्ट दिखा देते हैं थोड़ा सा, इसमें आप देखो ये सारे किसके इवोल्यूशन है, ये सोरोप्सिड से इवोल्व है, ब्रेकियोसोरस, आर्कियोप्टेरिक्स, टेरेनोडोन ये किससे इवोल्व है, ये सोरोप्सिड से, और एक इसमें आप देखिए पेलिकोसोरस एंड थेरेपसिड्स, तो पेलिकोसोरस थेरेपसिड्स मैमल्स ये किससे इवोल्व हैं, ये सिनेप्सिडा से इवोल्व हो रहे हैं, ये सिनेप्सिडा का इवोल्यूशन है, तो ये आप देखें सिनेप्सिडा से इवोल्व होके आए हैं, तो इसका मतलब सिनेप्सिडा से इवोल्व होने वाले पेलिकोसोरस और थेरेपसिड्स ये, तो अब आप इसमें समझ गए होंगे ब्रेकियोसोरस, आर्कियोप्टेरिक्स, टेरेनोडोन ये तीनों किससे इवोल्व हो रहे हैं, ये तीनों सोरोप्सिड से, और पेलिकोसोरस सॉरी ये इसमें ये आप देखें ब्रेकियोसोरस, आर्कियोप्टेरिक्स एंड टेरेनोडोन यहां तक सोरोप्सिड से तो सर, और पेलिकोसोरस एंड थेरेपसिड्स ये सिनेप्सिड से ही बोल रहे हैं यहां पे भी लिखो, तो ये सिनेप्सिड से ही बोल ये सर और ये सोरोप्सिड, समझ में आ गया होगा आपके, कई बार समझ लिया अपन ने इस चार्ट को है ना, ये तो याद करना पड़ेगा, कल भी बात कर ली थी, ये याद करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, उसके अकॉर्डिंग समझ में आ गया होगा आपको। तो पूछा गया इसमें व्हिच ऑफ दीज हैव नॉट
इवोल्व फ्रॉम थिकोडोंट्स और ऑब्सिडियन सिस्टम। तो कौन से नहीं इवोल्व हुआ, पहली दो सोर्स है थेरेपसिड्स, कौन सा आना चाहिए, करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा सर। ओके ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट Which of the following is incorrect regarding evolution? Evolution के context में कौन सा statement ये पूछना है गलत है? अब मुझे it is a stochastic process. Stochastic का जो verbal meaning अगर आप dictionary देखेंगे तो उसका meaning होता है कि कई theories मिलके फिर एक जो है एक hypothetical theory अपन दिखा दे, क्योंकि किसी ने देखा नहीं इसको होते हुए, है ना, इंसान कोई था नहीं उस टाइम पे। तो stochastic process इसी तरह कहते हैं कि जिसमें संभावनाएं जो है वो तलाशी की जाती है, उसके बाद में कोई थ्योरी बनाई जाती है। तो stochastic process है बिल्कुल, क्योंकि किसी ने नहीं देखा इसको होता हुआ, ये बात ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन चांस इवेंट, बिल्कुल चांस की बात है, इसीलिए कैटास्ट्रोफिक इवेंट हुआ, एक महाविनाशकारी घटना हुई, जिनको मरना था मर गए, किस्मत अच्छी थी वो बच गए, तो ये चांस वाला इवेंट हो गया, बिल्कुल सही है। फिर थर्ड स्टेटमेंट लिखा भी है इसमें, इट इज बेस्ड ऑन चांस म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म, म्यूटेशन भी एक संभावना वाली बात है, हुआ तो हुआ, नहीं तो लाखों साल तक म्यूटेशन नहीं हुआ, और या ऐसे म्यूटेशन हुआ कि उसका कोई होना नहीं होना बेकार था। तो ऐसे में म्यूटेशन जो होता है वो भी चांस बेस्ड है, ये भी इवोल्यूशन में रोल प्ले करते हैं, बात ठीक है। चौथा स्टेटमेंट इसमें लिख रखा भी है कि इट इज अ प्रोसेस बट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस, ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी को कॉन्ट्रडिक्ट करता है, है ना। तो इसको अगर अपन इनकरेक्ट पूछा गया है तो ये बात जो थोड़ी सी वो गलत साबित हो जाती है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीजों को कंसीडर किया है, ये प्रोसेस भी है और प्रोसेस का रिजल्ट भी है। करेक्ट सर, तो इसमें वैसे आपको सर ने सारी चीजें के बारे में क्लियर करवा दी, फिर भी आपको बता देता हूं एनसीईआरटी की ये चारों आप देख रहे हो ऑप्शन बी, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी ने क्लियर दे रखा है, इट इज अ स्टोकेस्टिक प्रोसेस व्हिच अकर्स ड्यू टू based on chance events and based on chance mutation in organism, एकदम क्लियर लाइन दे रखी है। एक इसमें दे रखा है कि ये प्रोसेस बट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज रिजल्ट ऑफ प्रोसेस, इसको गलत क्यों मान रहे हैं, क्योंकि सर दोनों कंडीशन में ही है, दोनों ही बातें हैं। अगर हम लाइफ की हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो लाइफ की बात कर रहे हैं तो लाइफ की ओरिजिन के लिए ये एक रिजल्ट ऑफ प्रोसेस है, और अगर हम स्पीसीज की ओरिजिन की बात करें तो क्या है, ये एक प्रोसेस है, क्योंकि कोई भी स्पीशीज कांस्टेंट नहीं है, आज हर स्पीशीज नॉट वाला गलत होता है, इवोल्यूशनरी प्रोसेस में ये करेक्ट फोर्थ हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, क्यों सर बिल्कुल। इसके बाद आप देखें क्वेश्चन नेक्स्ट, सेलेक्ट द मिसमैच्ड सेट ऑफ ह्यूमन एंसेस्टर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट ड्रायोपिथेकस existed about 15 million years ago as a hairy ancestor, correct sir, मैं आपको पहले भी बताया था कि Dryopithecus ape-like ancestor थे, clear, तो ये more like ape थे और Ramapithecus more like human, Ramapithecus more like human, इसके बाद next आप देखें Australopithecus existed about 6 million years ago in east African grassland, ये इसमें आप देखिए ये थोड़ा सा यस सर ने आपको इंडिकेट कर दिया है, सर ने बता दिया कि ये कहाँ गलत है, इसके टाइम ड्यूरेशन इट इज अराउंड 3 to 4 million ईयर्स एगो, क्लियर, तो उसके हिसाब से ये गलत हो गया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का एग्जिस्टेड अबाउट 6 million ईयर्स एगो, तो ये यहाँ गलत है। उसके बाद आप देखें होमो इरेक्टस एग्जिस्टेड अबाउट 1.5 million ईयर्स एगो with the brain capacity of 900 cc, ये correct है, homo erectus की cranial capacity 900 cc थी, और इसके साथ साथ evolution 1.5 million years ago इनका evolution हुआ है, सही है सर, बिल्कुल। उसके बाद Neanderthal man existed near east and central Asia between 1,400 years back, correct है, one lakh to 40,000 years back, ये सही है। तो इसमें गलत क्या है, इनकरेक्ट पूछा, तो इसमें ह्यूमन एंसेस्टर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक, तो मिसमैच्ड पेयर पूछा है, तो मिसमैच्ड कौन सा जाएगा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का मिसमैच्ड है, देखो क्यों है इसका आप समझ में आ गया, 6 मिलियन ईयर से हो रहा है। एक छोटी सी बात है मैं सबको बताता हूं, बार-बार बताता रहता हूं क्योंकि बतानी जरूरी है, और वो ये है कि कोई भी क्वेश्चन उसकी लैंग्वेज
और उसके ऑप्शंस की लैंग्वेज वो गौर से पढ़नी होगी। अब आप देखो इसमें हर चीज जो है बाय एंड लार्ज सही है मोटे तौर पे, क्यों सर? इमीडिएटली कोई गलती पकड़ में आ नहीं सकती इसमें अगर किसी को आती है ना, आपको एक एक चीज पे फोकस करना पड़ेगा। तो जरा सी गलती है लेकिन वो गलती ही उसका आंसर हो गया। अब इसमें पूछा है कि मिसमैच, अब वो मिसमैच तो एक ही हो रहा है, बाकी सारे तो ठीक ठाक मैच है अपने आप, ठीक है ना? तो आंसर हो जाएगा इसके अंदर सेकंड ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है? नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द इफेक्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जैसा कि अपन ने कल डिस्कस किया था कि आज की तारीख में जैसे अपन वर्ल्ड के मैप को देखते हैं, पहले वैसा मैप नहीं था, तो ये जो जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, ग्रीनलैंड, ये सब अलग अलग नहीं थे, और कुछ अलग अलग भी थे कुछ अलग अलग नहीं थे। बाद में काफी ज्यादा चेंजेस हुए इनके अंदर। इवन जो इंडिया था वो एशिया का हिस्सा नहीं था, वो एशिया क्यों सर? अगर आपको पुराना वर्ल्ड का मैप अगर अपन कंसिडर करें तो इंडिया तो धीरे धीरे खिसकता एशिया में जाके मिल गया। तो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो है वो एक बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस है। अब ये पूछ रहा है, क्वेश्चन पे आ जाता है अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सी बात सही है विद रिस्पेक्ट टू द इफेक्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो पहला है डोमिनेंस ऑफ नॉर्थ अमेरिकन एनिमल्स ओवर द साउथ अमेरिकन एनिमल्स। ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है कि जब ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका अलग अलग थे, जब तक तो नॉर्थ अमेरिका का फौना साउथ अमेरिका के फौना को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर पाता था, लेकिन जैसे ही सर वो फ्यूज हुए तो वो नॉर्थ अमेरिकन जो फौना था वो कार्निवोरस एनिमल्स थे। तो नॉर्थ अमेरिकन कार्निवोरस एनिमल्स जो थे वो साउथ अमेरिका में एंटर हो गए और वहां के हर्बीवोर्स को उन्होंने खत्म कर दिया। ये बात सही है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, साउथ अमेरिकन मैमल्स वर ओवररिडन बाय नॉर्थ अमेरिकन, वो बात वही है घूम फिर के। एक ही चीज को दो तरह से अपन ने लिख दिया यहाँ पे ऑप्शन में, ठीक है ना? अब इसके हिसाब से भी हम इसको से गलत नहीं कह सकते, वही बात चीज है। एक ही बात को दो तरह से कह दिया गया। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ ऑस्ट्रेलियन बाउल मैमल्स ड्यू टू लैक ऑफ कंपटीशन फ्रॉम अदर मैमल्स। ये बात ठीक है, क्योंकि क्या है कि ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल जो थे वो बाय एंड लार्ज हर्बीवोरस हैं या इंसेक्टिवोरस हैं, कीड़े खाने वाले हैं। तो अगर वहां पे कार्निवोरस एनिमल होते तो वो बेचारे सर्वाइव ही नहीं कर पाते, कंगारू पंगारू सब अब तक अपने को फोटो में दिखते थे, लेकिन ऐसा नहीं है और वो बच गए। तो क्यों बच गए? क्योंकि वहां पे कार्निवोरस नहीं थे, पर कॉन्टिनेंट अलग हो गया, पूरा दूसरे कॉन्टिनेंट से अलग हो गया वो, तो कॉन्टिनेंट आज के ऑस्ट्रेलिया सेपरेट हो गया, सेपरेट हो गया तो दूसरे एनिमल्स के साथ कंपटीशन नहीं रहा उसमें। बिल्कुल। अब इसमें एक चीज और ऐड कर दो कि बाद में लेटर ऑन वहां पे जो कार्निवोर्स आज की तारीख में मौजूद है ऑस्ट्रेलियन सब कॉन्टिनेंट में या न्यूजीलैंड में, वो बाद में इंसानी दखल से ले जाए गए, इंसान ने वहां पे ले जाकर उनको पहुंचाया। तो वहां पर ऐसी बात नहीं कि वहां पे नहीं है, अब है वहां पर कार्निवोर्स, लेकिन वो ह्यूमन इंटरवेंशन के साथ में पहुंचे हैं, इसलिए ये बात भी ठीक है। तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, तो आंसर इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ये इसमें करेक्ट आंसर, ठीक है सर? नेक्स्ट क्या है? हां नेक्स्ट 156, इक्थियोसोर्स वाज नॉट, इक्थियोसोर्स नहीं थे, के फिश लाइक रेप्टाइल एंड एक्वेटिक रेप्टाइल एम्फीबियंस इवॉल्व्ड फ्रॉम लैंड रेप्टाइल्स। अब आप देख सकते हो सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है कि इक्थियोसोर्स क्या थे। इक्थियोसोर्स एक्वेटिक रेप्टाइल्स थे। तो आपने पढ़ा है ये इवोल्यूशन के ब्रीफ अकाउंट में कि जिसमें बताया हुआ है कि जो एम्फीबियंस थे उन एम्फीबियंस से बाद में धीरे धीरे कुछ कम्प्लीटली टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन वाले रेप्टाइल्स जो है वो उसमें इवोल्व हो गए, जिसमें टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन इवोल्व हो गया था, कैसे? और उसमें कुछ रेप्टाइल्स ऐसे हो गए जो वापस लैंड हैबिटेट से वापस एक्वेटिक हैबिटेट में जाकर रहने लग गए, वो क्या हो गए? इक्थियोसोर्स हो गए। तो उसके अकॉर्डिंग क्या पूछा है, इक्थियोसोर्स वाज नॉट, क्या नहीं थे? एक फिश लाइक रेप्टाइल, सही बात है, बिल्कुल पानी में जाके रहने लग गए थे, एक्वेटिक हो गए थे, फिश लाइक रेप्टाइल हो गए, बिल्कुल सही है। तो एक्वेटिक रेप्टाइल ये बात आपको बताई दी, ये बात सही है। एम्फीबियन नहीं था, एम्फीबियंस एम्फीबियन नहीं थे, एम्फीबियन से इवोल्व रेप्टिलियन थे, क्लियर? उससे पहले एम्फीबिया थे लेकिन ये इवोल्व होके रेप्टिलिया जब इवोल्व हो गए उन्हीं रेप्टिलिया में से कुछ रेप्टाइल्स क्या हो गए थे वापस लैंड हैबिटेट से एक्वेटिक हैबिटेट में आ गए थे, वो क्या हो गए? वो इक्थियोसोर्स हो गए। तो नेक्स्ट है इवोल्व फ्रॉम लैंड रेप्टाइल्स, ये भी सही है, लैंड रेप्टाइल्स से ही बाद में कुछ जो है वो इवोल्व होके एक्वेटिक हो गए थे। तो कौन सा गलत है इसके लिए? तो ये एम्फीबियंस नहीं, क्या है ये?
पानी में रहने वाला रेप्टाइल मछली की तरह का बॉडी था, कल भी अपन ने एक्सप्लेन किया था, कल सर ने बताया था आपको। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज अ बेसिक यूनिट ऑफ इवोल्यूशन। अब इवोल्यूशन की यूनिट क्या है, इवोल्यूशन होता है स्पीशीज का या पॉपुलेशन का या इंडिविजुअल का, ये चीज पूछी गई। अब यहाँ पर अपने को ये पता होना चाहिए कि एक तो होता है नेचुरल सिलेक्शन, है ना, और नेचुरल सिलेक्शन से जो है इवोल्यूशन वाला जो फिनोमेना है वो कंप्लीट होता है। बेसिक यूनिट ऑफ इवोल्यूशन पूछा है, और बेसिक यूनिट ऑफ इवोल्यूशन एज मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग सारे पॉपुलेशन के पॉपुलेशन के, है ना। जब आपसे अब यहाँ पर एक चीज बता देते हैं, क्योंकि ये तो पता होना चाहिए कि यूनिट ऑफ इवोल्यूशन तो है पॉपुलेशन, है ना सर, समझते हैं, और यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वो ये होता है। नेचुरल सिलेक्शन अगर पूछ लिया जाए, यूनिट ऑफ नेचुरल ये है कौन, इंडिविजुअल, क्यों सर, तो ये अपने से पूछा क्या इसमें, बेसिक यूनिट ऑफ इवोल्यूशन पूछा है, तो बेसिक यूनिट ऑफ इवोल्यूशन क्या बताएंगे, पॉपुलेशन को एक बेसिक यूनिट ऑफ इवोल्यूशन मानी, क्लियर, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ओनली फ्यू मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन कॉलोनाइज टू ए न्यू हैबिटेट इट कैन रिजल्ट। अगर एक समष्टि के केवल कुछ सदस्य एक नए आवास में नई समष्टि बनाकर रहने लगते हैं तो इसका परिणाम हो सकता है, क्या होना चाहिए सर, देखिए अगर यहाँ से कुछ इंडिविजुअल्स निकल के ये दूसरे हैबिटेट में चले गए तो ये यहाँ के फाउंडर कहलाएंगे ना बेटा, ये फाउंडर हो गए, यहाँ आके वो एक नई समष्टि या एक नई पॉपुलेशन को तैयार कर देंगे, ये फाउंडर इफेक्ट आपने पढ़ रखा है, फाउंडर इफेक्ट हो जाएगा, जो पहली बार गए वो फाउंडर हो जाएंगे इसके, उसके अकॉर्डिंग यदि एक समष्टि केवल कुछ सदस्य एक नए आवास में नई समष्टि में बनाकर रहने लगते हैं इसका परिणाम हो सकता है फाउंडर इफेक्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट, तो फाउंडर इफेक्ट भी किसका रिजल्ट होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, क्यों सर, तो ये जेनेटिक ड्रिफ्ट है, बॉटलनेक इफेक्ट नहीं होगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या होना चाहिए इसमें, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्यों सर। Amphibians have evolved probably from, अब amphibians के evolution को लेके देखिए controversy है ना, higher classes में आप जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा detail में पढ़ाया जाएगा कि amphibians जो हैं वो किससे evolve हैं ultimately, है ना। अब इसमें जो NCERT कहती है कि जो latimaria है, अब मान लीजिए जैसे मैं एक ये fish बना रहा हूँ आपके समझने के लिए, it is basically latimaria, ठीक है। अब इसके जो फिन्स थे, साइंटिस्ट का ये मानना है ये जो फिन्स थे इसमें सर लोब्स थी, और फ्यूचर में ये जो लोब्स थी ये एम्फीबियन लिम्स के अंदर इवॉल्व हो गई, तो ये लैटिमेरिया एक लिविंग फॉसिल कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो अब आप क्वेश्चन को पढ़ें, एम्फीबियंस हैव इवॉल्व्ड प्रोबेबली फ्रॉम, तो ये रेप्टाइल से तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो इनके बाद आए थे, कार्टिलेजिनस फिशेस, एक्सोसीटस से उड़ने वाली बोनी फिश होती है, लोब्ड फिन फिशेस, सील कैंप, ये आ जाएगा इसका आंसर, ये लोब्ड फिन फिश है लैटिमेरिया, एनसीईआरटी में दिया हुआ आपके ब्रीफ अकाउंट ऑन इवोल्यूशन में, ये क्लियर बता रहे क्यों सर, बिल्कुल, एनसीईआरटी से ये तो लोब्ड फिन फिशेस है उन्हीं को क्या माना गया है, एम्फीबिया के डायरेक्ट एंसेस्टर माना गया था, उन्हीं से एम्फीबियंस का इवोल्यूशन, बिल्कुल। Next, select the incorrect statement regarding the numbered. NCERT weight के संबंध में गलत कथन को चुनिए। तो ये आपने पढ़ा कल parallel evolution को बताया था। अपन ने आपको अगर ध्यान हो NCERT में कुछ चार्ट दे रखा ना सर? हाँ, parallel evolution का इसमें एक तरफ देखा रखा, हाँ, एक तरफ placental में बस बता रखे हैं। यहाँ पे placental, यहाँ पे marsupials, यहाँ पर numbered दे रखा है। फोटो दे रखा है आप किताब में देख लेना नंबर्ड का। पैरेलल इवोल्यूशन किसका? एंटीटर का, क्यों सर? बिल्कुल। ये एंटीटर के, तो एंटीटर के पैरेलल इवोल्यूशन इनका, तो इट इज ए मार्सुपियल, करेक्ट है, मार्सुपियल होंगे ये, साइड में
और दूसरा इट शोज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन विद एंटीटर. बताया आपको एंटीटर से पैरेलल इवोल्यूशन है, मींस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. क्लियर? उसके बाद इट इज ए मार्सुपियल एंटीटर, ये भी करेक्ट है, मार्सुपियल एंटीटर. इट ऑकर्स इन अमेरिका, ये इसका रॉन्ग स्टेटमेंट होगा. ये नंबर में यहाँ पे हम देखते हैं मार्सुपियल्स. हाँ, यहाँ पर है मार्सुपियल, यहाँ पे नंबर्स है. ये एंटीटर की पैरेलल इवोल्यूशन में बता रखा है इसको. तो क्या होगा, एंटीटर की कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इसको शो कर रहे हैं. एक इट इज अ मार्सुपियल एंटीटर, करेक्ट है. और इट अकर्स इन अमेरिका, इसका रॉन्ग स्टेटमेंट क्या जाएगा, इट अकर्स इन अमेरिका मार्सुपियल नॉर्थ अमेरिका में भी है, लेकिन उनका नंबर और उनकी जो नंबर ऑफ स्पीशीज है वो बहुत ही कम है. When we describe the story of life on Earth, we consider evolution as a. जब हम पृथ्वी पर जीवन की कहानी का वर्णन करते हैं तो उद्विकास को अपन क्या मानते हैं, प्रोसेस, कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रोसेस, या एक प्रक्रम है, बिल्कुल है, रिजल्ट है, एक प्रक्रम का परिणाम है, है ना, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का, बिल्कुल है ना, none of these. इसमें आप एक चीज देखिए, पूछा क्या है, स्टोरी ऑफ लाइफ. अभी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया था, सर ने भी डिस्क्राइब किया था, मैंने भी कहा था, एक चीज बताई थी आपको कि ये प्रोसेस भी है एंड कंसिक्वेंस या रिजल्ट ऑफ प्रोसेस भी है. उसमें एक चीज आपको मैंने बताई थी कि ये दोनों कब, किस कंडीशन में इसको प्रोसेस कहेंगे, किस कंडीशन में इसको रिजल्ट ऑफ प्रोसेस कहेंगे. आपको बताया था कि लाइफ की स्टोरी की बात कर रहे हो तब ये क्या, कंसिक्वेंस ऑफ प्रोसेस या रिजल्ट ऑफ प्रोसेस. और अगर हम स्पीसीज की बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली, इफ यू डिस्क्राइब अबाउट द स्टोरी ऑफ स्पीसीज, द स्टोरी ऑफ वर्ल्ड या स्टोरी ऑफ स्पीसीज की बात कर रहे हैं, तब क्या होता है वो, उस कंडीशन में ये प्रोसेस है. क्लियर? तो यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, तब उस कंडीशन में क्या हो गया, कंसिक्वेंस ऑफ प्रोसेस. तो एक प्रोसेस का रिजल्ट है. लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई उसका आज अपने पास एक रिजल्ट है. क्यों सर? बताया गया था कि इस तरीके से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, कोई सर्वेट्स बने, उनसे आगे फर्स्ट लाइफ हुई. हाँ, तो वो एक रिजल्ट आ गया. एग्जैक्टली. तो यहाँ पर अपने को जो फोकस करना है ना, ये है स्टोरी ऑफ लाइफ, स्टोरी ऑफ लाइफ. ये स्टोरी ऑफ लाइफ, तो स्टोरी का मतलब हिंदी में कहानी को कहते हैं. तो कहानी तो क्या होती है, रिजल्ट ये रहा, भाई ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, उसमें ये थोड़ी बताते हैं कि कैसे हुआ है, तो कैसे हुआ वो नहीं समझा रहे, बस हो गया. लाइफ कैसे ओरिजिनेट, कैसे हुआ, बस हुआ है. कॉन्सिक्वेंस है, उसके बारे में रिजल्ट है. कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या है, ये परिणाम है. नेक्स्ट, ये देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम. फर्स्ट कॉलम में दे रखा है ह्यूमन, फिर सेकंड कॉलम में दे रखी इनकी क्रेनियल कैपेसिटी. क्लियर? अब आप देखिए, फर्स्ट होमो हैबिलिस है, होमो हैबिलिस की क्रेनियल कैपेसिटी जानोगे आपको, होमो हैबिलिस की क्रेनियल कैपेसिटी 650 to 1800 cc. क्लियर? होमो हैबिलिस की जाना ना, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद जस्ट जो फर्स्ट हैंडीमैन टूल मेकर जो है वो है होमो हैबिलिस के, 650 to 800 cc क्रेनियल कैपेसिटी थी. होमो इरेक्टस की क्रेनियल कैपेसिटी 900 cc, उसके साथ करेक्ट मैच है. नियंडरथल मैन की क्रेनियल कैपेसिटी ये 1400 cc थी, उसके साथ करेक्ट मैच है. मॉडर्न मैन की क्रेनियल कैपेसिटी 950 cc, इसके साथ करेक्ट मैच है. तो उसके हिसाब से आप देखिए, कुछ भी नहीं बैठ रहा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसी में नहीं आ रहा. इट मींस क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, हालांकि देखो आजकल क्या है कि नीट के अंदर ऑल ऑफ दीज नन ऑफ दीज वाले क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो बहुत रेयरली आते हैं, है ना. लेकिन अपने को बेसिक चीज पता होनी चाहिए कि क्रेनियल कैपेसिटी किसी कितनी है. तो मैंने कल ही बताया था, ये तो लर्न करने वाली बात है, तो सीखना पड़ेगा आपको. अब इसके अंदर ये आपको याद करना ही पड़ेगा, ये चीजें याद करनी ही पड़ेगी. क्यों सर? अब जैसे
ये किसी को याद नहीं है या कोई याद करके भी कंफ्यूज हो रहा है, तो इसके लिए मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, और वो यही है कि इसको आप थोड़ा सा रिवाइज करते रहें टाइम टू टाइम, ताकि दिमाग में ये चीजें तरोताजा होती रहें। एक बार अपन पढ़ के छोड़ देते हैं तो वाइप आउट हो जाती है। ठीक है सर, तो ये आज का गुरु नीति कंप्लीट हुआ, इवोल्यूशन का ये लास्ट गुरु नीति था, और हम या मतलब हमारी जो कोशिश है, हमारी टीम की जो कोशिश है, टीम जूलॉजी की सीएलसी की जो कोशिश है, वो ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स इससे अपना जो बेनिफिट लेना चाहते हैं तो मैक्सिमम बेनिफिट लें, और इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जो कि आपके लिए कुछ नयापन देते हों। देखिए आपके पास में करने के लिए बहुत कुछ है, मॉड्यूल है, डीटीएस है, एनसीईआरटी के पीछे वो एग्जाम करके क्वेश्चन है, आप भी आपस में डिस्कस करके कुछ सीख सकते हो, टीचर्स के आपसे डिस्कस से आप कुछ सीखने को मिल रहा है, ऐसे कंटिन्यू आप जुड़े रहें जिससे आपको इनसे रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो क्यों है, करेक्ट है तो क्यों है, इन चीजों को आप पूरी तरीके से डिस्कस कर सके। ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू।